वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो मामला है वो दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है और देश के कई हिस्सों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि अभी तक ये मामला लोअर कोर्ट्स में था, लेकिन अब देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा है। इसको लेकर कई सारी ऐतिहासिक दलीलें भी दी जा रही हैं, लेकिन आज इस मामले में स्थानीय अदालत पहली बार कोई सुनवाई करने वाली है। इस सबके बीच भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर एक PIL चैलेंज करी है। ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी कि आज एक नई याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ता हैं देश के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय जी। अपनी याचिका में देश की शीर्ष अदालत से उनकी क्या मांग है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो भले ही कोर्ट में रोज ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद पर नए फैसले आ रहे हों, आज भी सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के बाद इस मामले पर अहम सुनवाई हुई, लेकिन अब इस केस में एक नई याचिका से इसमें नया मोड़ आ गया है। याचिका के जरिए अश्विनी जी की दलील है कि यह मामला सीधे तौर से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। हालांकि इससे पहले हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है और ये केस आज पहली बार जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में ओपन भी होगा। लेकिन अब इन सब के बीच अश्विनी उपाध्याय की याचिका भी अहम मुद्दे को उजागर कर रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अश्विनी उपाध्याय की याचिका में उन्होंने क्या दलील दी है। मंदिर पूजा स्थल है और मस्जिद प्रार्थना स्थल। टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मास्क इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप उसको कहते हैं, पूजा स्थल उसको कहते हैं जहां भगवान रखे जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनका जलाभिषेक होता है, उनको फल चढ़ाते हैं, उनको मिष्ठान देते हैं, उनका भोग लगाते हैं और फिर वहीं पे जो देवता है उन्हीं की पूजा की जाती है, उसको कहते हैं पूजा स्थल मंदिर। जबकि मस्जिद में भगवान नहीं रहते, मस्जिद में खुदा नहीं रहते। मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, सिंपली इबादत का स्थान है। वो इबादत का स्थान कहीं भी हो सकता है, 100 मीटर दूर भी हो सकता है, 500 मीटर दूर भी हो सकता है। और इसीलिए अरब देशों में सड़क बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, पब्लिक ऑफिस बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, उसके लिए भी मस्जिदों को शिफ्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, एक दूसरी मस्जिद बना दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आ चुका है इस्माइल फारूकी में, मॉस्क इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, कि जो मस्जिद है वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, नमाज कहीं पर भी पढ़ी जा सकती है, सड़क पे, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। तो सिंपल एक वो मस्जिद जो होती है सिंपल एक स्थान है। तो जब पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम में है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? पूजा स्थल कानून मंदिर पे तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स जो मस्जिद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, वो पूजा स्थल कानून अपने हक में उसको यूज नहीं कर सकते। जैन एक बार पूजा स्थल कानून के लिए अपने मंदिर की बात कर सकते हैं, बौद्ध पूजा स्थल कानून को अपने लिए मांग कर सकते हैं, सिख पूजा स्थल कानून को अपने लिए हक के लिए यूज कर सकते हैं, मुस्लिम पूजा स्थल कानून को यूज नहीं कर सकते। पूजा स्थल कानून पूजा स्थलों पे लागू होता है, प्रार्थना स्थल पे नहीं। और मस्जिद पूजा स्थल नहीं बल्कि प्रार्थना स्थल है, और इसीलिए खाड़ी देशों में उसे जब जरूरत पड़ती है, जहां पे जरूरत पड़ती है, सड़क चौड़ा करने के लिए या कोई दूसरा काम करने के लिए, उसको तोड़ दिया जाता है। तो याचिकाकर्ता का साफ कहना है कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मंदिर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने और यहाँ तक कि नमाज पढ़ने से भी मंदिर के धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता। उन्होंने याचिका में सवाल उठाए हैं कि इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक भी मंदिर तोड़कर बनाई गई कोई मस्जिद वैध मस्जिद कैसे हो सकती है। हालांकि उनकी इस याचिका को मस्जिद कमेटी ने खारिज करने की मांग की है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर कहा है कि धार्मिक स्थल के स्वरूप को निर्धारित करने से नहीं रोकता। खैर, इन सब के बाद मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है, जिससे निपटना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लीगल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।